जब भी शाम होती है तो दोस्तों कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम मेहनत में, कम तेल में, कम मसालों में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, घर में सभी को पसंद आएगी और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। कोई भी तामझाम नहीं और घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाती है। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। जी हाँ, तेल खाना सभी को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन ये कम तेल से बनी हुई रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बनी है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मैं हमेशा आपके लिए अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। इसके लिए हमने लिए हैं बेबी पोटैटो, यानी छोटे छोटे जो आलू होते हैं वो लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बड़े साइज़ का भी आलू ले सकते हैं और उसको 3-4 भाग में कट भी कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है और इसे अच्छे से 2 सीटी आने तक हम उबाल लेते हैं। तो देखिए अच्छे से आलू उबल चुके हैं, इसके छिलके भी हमने हटा लिए हैं और अब देख सकते हैं ना कि कितने छोटे छोटे हैं। बड़े साइज़ का है तो इसी के साइज़ के आप 2-3 पीस कट भी कर सकते हैं और इस तरह से हथेलियों के बीच में यहाँ पे दबा दें। इस तरह से थोड़ा सा हल्का से प्रेस करें, यानी पूरा तोड़ना नहीं है इसे, हल्का से इस तरह से क्रश कर लें। और देखिए इसी तरह से सारे बेबी पोटैटो को हम कर लेते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो उसे कट करेंगे ना तो उसको इस तरह से दबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से स्लाइसेस के रूप में रख सकते हैं। और बिल्कुल भी ज़्यादा सीटी नहीं लगाएं, नहीं तो ज़्यादा सीटी लगने से आलू बहुत ज़्यादा मैशी हो जाते हैं, तो बस 2 सीटी ही लगाएं। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा हम यहाँ पे 2 चम्मच लिया, उसे ज़्यादा नहीं लेंगे हम। यहाँ पर थोड़े सा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं, देख सकते हैं कुटी हुई काली मिर्च फ्रेश ले, और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, लगभग 1/4 के लगभग, और इसे मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो इसे का घोल बना कर तैयार कर सकते हैं पानी से, लेकिन मैं इसका घोल बना के बिल्कुल भी तैयार नहीं करूँगी, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी, इसी तरह से छोड़ दूँगी। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच या 3 चम्मच लिया है। नॉन स्टिक पैन है, कम तेल यूज़ होगा और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो तेल आपको अच्छा खासा गर्म कर लेना है, हाई फ्लेम कर लेना है और इस तरह से आलूओं को इसमें कॉर्नफ्लोर में डिप कर लेना है, यानी कोट कर लेना है। कोट करने के बाद इसे ऑयल में डालते जाएंगे। तो देखिए सभी को अच्छे से हमने यहाँ पे कोट करके इसमें डाल दिया है और जो तेल है उसको चारों तरफ से इस तरह से करते जाएंगे ताकि सभी आलू को अच्छी तरह से इक्वल यहाँ पे ऑयल मिले और अच्छी तरह से यहाँ पे क्रिस्पी बने। तो गैस का फ्लेम हाई रखा है, बिल्कुल भी लो नहीं रखा है, क्योंकि झटपट बनने वाली रेसिपी है आलू टिक्की चाट, जो बिल्कुल अलग है, कोई तामझाम नहीं है, एकदम जल्दी फटाफट बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई भी बर्थडे हो या किटी पार्टी हो या जब भी कुछ खाने का अलग सामान कर रहा है तो तैयार करें। देखिए हाई फ्लेम पे इसे हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। दूसरी तरफ उसी पैन में हम 1 चम्मच ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच लेंगे और गर्म कर लेंगे। आप यहाँ पे बटर या घी डाल दें, मैं यहाँ पे घी डाली हूँ दोस्तों, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 से भी कम हमने हल्दी डाली है, 1 चुटकी हल्दी डाली है, ज़्यादा हल्दी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाएगा। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है हमने थोड़े से कलर के लिए, 1/4। तेल गर्म होने के बाद ना दोस्तों यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दीजिएगा, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो देखिए गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, कोई भी बुलबुले नहीं उठ रहे हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और साथ में 1 सैसे हम यहाँ पर मैगी मसाला मैजिक डाल लेते हैं, 1 पैकेट ही डालें। अगर मैगी मसाला मैजिक नहीं है तो आपके घर में जो मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं, फटाफट आलू को डाल दिया है इसी मसाले में। अब गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम यहाँ पे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स होने तक, यानी कुरकुरा होने तक इसे कर लेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए इन आलूओं में। तो देखिए 2 ही मिनट कीजिएगा, उसे ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इसके लिए हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, एक जो स्प्रिंकल करते हैं चाट पे। तो देखिए 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 हमने यहाँ पे नमक लिया है, प्लेन नमक, काला नमक लिया है 1/2 चम्मच, साथ में 1/2 चम्मच यहाँ पर हमने लिया है जीरा का पाउडर और यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। तो इक्वल क्वांटिटी में चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा लेंगे और सभी को यहाँ पे ये मसाले को मिक्स कर लेंगे। जब भी आप चाट बनाते हैं ना तो इस तरह मसाले आप
मिक्स कर लें अच्छे से और एक डब्बे में कंटेनर में रख लें और जब भी चाट खाएं तो डालें। तो इस तरह से हम यहाँ पे सर्व कर लेते हैं आलू टिक्की चाट इंस्टेंट वाली। सभी आलू को यहाँ पे डाल देते हैं। आप इन आलूओं को ऐसे भी बनाकर दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, झटपट बनती है, पराठे के साथ आलू के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए खट्टी मीठी इमली की चटनी इसके ऊपर हमने डाल देना है। इमली की चटनी बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। चैनल पे है, आप ज़रूर चैनल पे जाएं और देखें, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। फिटी हुई दही, जी हाँ, दही जब भी लें उसे अच्छी तरह से फेंट लें, थोड़ा सा उसमें चीनी ऐड कर दें और अच्छे से फेंट दें विस्कर की सहायता से, एकदम परफेक्ट दही हमारे यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। दही आप अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पर डालें जितना आप खाना पसंद करते हैं और खट्टी मीठी चटनी भी। थोड़े से कटे हुए प्याज डाल देते हैं। ये गर्मा गर्म इतनी टेस्टी लगती है ना दोस्तों कि आप इसे बार बार बनाएंगे। थोड़े से बारीक वाले सेब, नायलॉन सेब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे आलू भुजिया भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ में यहाँ पे नींबू का रस, जी हाँ, नींबू का रस डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बहुत टैंगी फ्लेवर आता है, बहुत अलग सा स्वाद देता है, तो नींबू का रस ज़रूर डालें। और जो हमने यहाँ पे चाट मसाला बनाया था ना, जी हाँ, चाट में डालने वाला मसाला, चाट मसाला ने मिक्स करके वो मसाला यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डाल देते हैं सभी आलू के ऊपर। तो ये देखिए, साथ में थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली, कोई भी तामझाम नहीं। अगर आपके पास पापड़ी है ना दोस्तों तो यहाँ पर पापड़ी भी क्रस करके डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा इंस्टेंट चाट बनकर तैयार है, इसे खाएं और खिलाएं, गर्मा गर्म परोसे, सभी को पसंद आएगी, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप चाहें तो इस तरह से जो मार्केट में मिलते हैं ना टिक्की, इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं इमली की चटनी दही के साथ, इस तरह से कटोरियों में, जैसे घर में कुछ पार्टी है या गेस्ट हैं तो इस तरह से सर्व करें, वो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो देखा ना कितनी इंस्टेंट और जल्दी बनकर तैयार होगी। अगर आपकी कोई डिमांडेड रेसिपी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इसे खाएं, खिलाएं और हेल्दी रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।